हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल नॉर्थ थिएटर्स। तो आज मैं आपको एक बहुत ही प्यारा 3 BHK का होम टूर देने जा रहा हूँ, ठीक है। जिसकी अगेन इसकी जो लोकेशन है वो है सेक्टर 127 मोहाली में, ठीक है। एंड अगर मैं इसकी कनेक्टिविटी की बात करूँ तो इस पर लांडा रोड की कनेक्टिविटी है, खरड़ चंडीगढ़ हाईवे की कनेक्टिविटी है, और आपकी इसमें TDI की कनेक्टिविटी भी रहेगी, ठीक है। तो आइए मेरे साथ 3 BHK का होम टूर लीजिए। एंड एक और बताता हूँ, ये 148 गज का 3 BHK है और इसका जो स्क्वेयर फीट एरिया है वो है 1350 स्क्वेयर फीट इसका या एरिया है, ठीक है। एंटर करते ही आपको अगेन वुडन फिनिशिंग का ग्लास डोर मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे एंटर करते ही ड्राइंग एरिया मिलेगा, जो कि आप देख सकते हैं कि 10 से 11 बंदों की सिटिंग आराम से यहाँ पे हो जाएगी ड्राइंग एरिया में। वॉलपेपर देखिए आप कितना प्यारा लग रहा है वॉलपेपर। एंड फॉल सीलिंग है जो आपको एज इट इज मिलने वाली है, फॉल सीलिंग आपको एज इट इज मिलेगी। सामने LED पैनल है लगा हुआ 3 BHK में। एंट्रेंस में ही आपको ड्राइंग एरिया मिल जाता है, ठीक है। एंड सबसे बड़ी बात, इसका जो ड्राइंग और डाइनिंग का एरिया है वो बिल्कुल ही अलग है। ड्राइंग का एरिया आपको एंट्रेंस में ही मिल जाएगा और डाइनिंग का एरिया आपको हॉल में मिलेगा, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं डाइनिंग एरिया में भी हमारे 6 पर्सन की सिटिंग है यहाँ पे, इजीली यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे फिटिंग की, तो यहाँ पे सारी जितनी भी वायरिंग हुई है सारी अंडरग्राउंड फिटिंग है। जैसे कि आप किचन में भी देख रहे हैं, मैं आपको पहले किचन का टूर दे देता हूँ। किचन भी काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है, डाइनिंग के सामने ही किचन है हमारी, ठीक है। एंड यहाँ पे काफ़ी में जो कपबोर्ड्स हैं इनमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस आपको मिल जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं सॉफ्ट क्लोजर के साथ आपको यहाँ पे सामान रखने के लिए मिल जाएगा, आपको चिमनी, आपको ये नीचे होब भी मिल जाएगा, ठीक है। एंड अगर मैं आपको RO की फिटिंग की बात करूँ, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कपबोर्ड के अंदर RO की फिटिंग लगाई हुई है, ठीक है। ये भी फैसिलिटी आपको मिल जाएगी यहाँ पे 3 BHK के अंदर अंदर ही एडजस्ट किया गया हुआ है RO। एंड जो फॉल सीलिंग है, अगेन जो दिखाइए एक बार ऑडियंस को, जो फॉल सीलिंग है गाइस आपको वो एज इट इज ही मिलने वाली है, जो फॉल सीलिंग आप देख रहे हैं, ठीक है। अगेन जो जो वॉश बेसिन है उनका टू 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 वॉश बेसिन का कॉन्सेप्ट है, विद मूवेबल टैप्स का कॉन्सेप्ट है। एंड मैंने एक और चीज़ आपको मैं बताऊंगा, बहुत से मैंने फ्लैट्स मैंने जो जो शूट किए हैं, हमने वीडियोज में कैप्चर किए हैं, पर मैंने सब में चिमनी की जो मैंने देखा है, जो चिमनी होती है उसकी जो पाइप होती है बाहर निकली होती है, इनकी सब अंडरग्राउंड फिटिंग है इनकी चिमनी की प्रॉपर। इनकी हर एक वायर इन्वर्टर के लिए, इन्वर्टर की वायरिंग, AC की वायरिंग, ये सब अंडरग्राउंड इन्होंने करके पहले से दे रहे हैं, ठीक है, 3 BHK फ्लैट के अंदर। अब ये काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है आपका जो हॉल है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ मास्टर बेडरूम की ओर। जैसे ही मैं आपको मास्टर बेडरूम की ओर लेके चलूंगा, देखिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है मास्टर बेडरूम भी। एक के एक किंग साइज बेड होने के बाद भी यहाँ पे कितनी ज़्यादा स्पेस बच रही है आप देख सकते हैं। 2 से 3 पर्सन के घूमने की आराम से स्पेस बच रही है। LED पैनल सामने आपके लगा हुआ है, बिल्कुल बेड के सामने LED पैनल लगा हुआ है। ऊपर फॉल सीलिंग आपको एज इट इज मिल जाएगी। सामने कपबोर्ड्स भी देखिए, कपबोर्ड्स भी काफ़ी ज़्यादा अब प्यारे लग रहे हैं। वुडन फिनिशिंग के साथ आपको कपबोर्ड्स भी एज इट इज ही मिलेंगे। रूफ टॉप तक कपबोर्ड्स लगे हुए हैं, ये भी आपको एज इट इज मिलेंगे। स्पेस की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है, देखिए जैसे आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस कपबोर्ड्स हैं, ठीक है। एंड उसके बाद अगर यहाँ पे सामान वगैरह रखना हो ड्रॉर्स में, तो आपको ड्रॉर्स की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। जैसे ड्रॉर भी आपको प्रॉपर दिया गया है, साथ में आपको यहाँ पे कर्टन के लिए आपको प्रॉपर पाइप भी दी गई है वार्डरोब्स के अंदर, ठीक है। बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया है, ठीक है। एंड अगर वॉशरूम की बात करूँ, तो वॉशरूम आपको अटैच वॉशरूम मिल जाएगा, वॉशरूम आपको एज इट इज मिलेगा। काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस वॉशरूम है अपना, जैगवार की फिटिंग्स हैं, प्रॉपर जैगवार की फिटिंग्स सर। टाइल्स का बहुत ही प्यारा कॉम्बिनेशन है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एयर वेंटिलेशन के लिए आप देखिए अगेन यहाँ पे विंडो दी गई है, हाइड्रोलिक लिफ्ट के साथ आपको विंडो दी गई है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है। अब वॉशिंग एरिया की बात करें, तो वॉशिंग एरिया आपका फर्स्ट बेडरूम के साथ ही आपका वॉशिंग एरिया अटैच होता है। यहाँ पे आपको ग्लास का डोर दिया गया है, एको डोर्स हैं ये, ठीक है। सॉफ्ट क्लोजर के साथ आपको डोर मिल जाते हैं। यहाँ पे आपका वॉशिंग एरिया आ जाता है, ठीक है। वॉश बेसिन यहाँ पे आप अपनी वॉशिंग मशीन रख सकते हैं इजीली, ठीक है। और आपका साथ में ही सेकेंड बेडरूम है, ठीक है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पे सेकेंड बेडरूम की ओर। पर मैं अगर बात करूँ स्पेस की, तो यहाँ पे 3 BHK में बेडरूम में जो ये वाला जो हमारा प्रोजेक्ट है शूट कर रहे हैं, इसमें इनमें जो बेडरूम में इनमें बहुत ज़्यादा इनकी स्पेस है, बहुत ज़्यादा स्पेशियस बेडरूम्स हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। अब मैं सेकंड बेडरूम में आपको लेके आता हूँ। सेकंड बेडरूम में देखिए, जैसे आप सेकंड बेडरूम में आते हैं आपको अगेन काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिल जाता है, किंग साइज बेड के साथ। फॉल सीलिंग अगेन आपको एज इट इज ही मिलेगी। वार्डरोब्स आपको स्लाइडिंग डोर्स के साथ वार्डरोब्स मिलने वाली हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं स्लाइडिंग डोर्स के साथ आपको वार्डरोब मिलेंगी, काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस वार्डरोब्स हैं, ठीक है। साथ ही आपको ड्रेसिंग एरिया मिल जाएगा, मिरर के साथ में दिया गया है, ठीक है। LED पैनल बिल्कुल सामने दिया गया है, ठीक है, बेड के सामने। एंड ये आपको यहाँ पे विंडो AC का प्रोविजन दिया गया है, विंडो AC भी आप यहाँ पे अपना लगा सकते हैं प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए। ग्लास डोर्स दिए गए हैं,
साथ ही अगर मैं वॉशरूम की बात करूं तो वॉशरूम के टाइल्स का अगेन कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा है यहाँ पे। एंड यहाँ पे आपको अगेन हाइड्रोलिक लिफ्ट के साथ आपको विंडो दी गई है, जैगवार की फिटिंग्स हैं प्रॉपर, ठीक है। एंड ये था सेकंड बेडरूम, ठीक है, जो 3 BHK का सेकंड बेडरूम है। और मैं आपको बताऊँ आज की डेट में कि आप जितनी ऑडियंस जो देख रहे हो हमारे, आपको स्पेशियस फ्लैट्स काफ़ी अच्छे लगते हैं, जैसे कि आज की डेट में हर किसी की डिमांड रहती है कि स्पेशियस फ्लैट्स हों, स्पेशियस प्रोजेक्ट हो, तो उसमें अच्छे से बंदा अपना स्टेबल कर पाता है, ठीक है। एंड अगर मैं थर्ड बेडरूम की बात करूँ तो ये मेरा रहता है थर्ड बेडरूम, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये थर्ड बेडरूम रहेगा, इवन यहाँ अभी तक कोई बेड तो लगाया नहीं है, बट आपका थर्ड बेडरूम रहने वाला है ये। आप इसको एज ए किड्स बेडरूम यूज़ कर सकते हैं। बैकग्राउंड देखिए कितना प्यारा वॉलपेपर लगाया है बैकग्राउंड के ऊपर, लाइक, ठीक है। एंड फॉल सीलिंग आपको गेन एज इट इज ही मिलने वाली है, फॉल सीलिंग ग्लास डोर की यहाँ पे फिनिशिंग दी गई है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है, ग्लास डोर की फिनिशिंग दी गई है, ठीक है। एंड उसके साथ ही यहाँ पे आपको अटैच, यहाँ पे आपको अटैच वॉशरूम मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं अटैच वॉशरूम में आपको जैगवार की फिटिंग्स लगाई गई हैं प्रॉपर, और टाइल्स का कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा है, ठीक है। एंड तो गाइस ये था 3 BHK का टूर, तो मैं आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन देता हूँ इसके बारे में। गाइस ये था 3 BHK का होम टूर जो कि मैंने आपको दिया। लोन की अगर मैं इसमें बात करूँ तो 90% आपका लोन हो जाएगा यहाँ पे, 10% आपको डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी। प्राइस की बात करूँ तो प्राइस इसका 4690 से इसकी स्टार्टिंग प्राइस है, 40,90,000 से इसका स्टार्टिंग प्राइस शुरू होता है। एड्रेस अगर मैं बात करूँ तो सेक्टर 127 मोहाली में इसका एड्रेस पड़ेगा आपको, ठीक है। कनेक्टिविटी इसका मैंने आपको बता दिया है, अगेन बता देता हूँ, TDI खरड़ चंडीगढ़ हाईवे इसकी कनेक्टिविटी रहेगी। तो गाइस इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारे रियल स्टेट वाले चैनल को नॉर्थ एल्टर्स को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप आने वाले टाइम में अच्छी अच्छी वीडियोस देख पाएँ एंड होम टूर्स ले पाएँ, ठीक है। तब तक के लिए सबको नमस्कार।